बंजर लैंड है, आप तो यहाँ से लोकल से हो, इस एरिया में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो उसका यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका था एक शहर बनाना। ये एक्चुअल धोलेरा का मैप है जिसके अंदर 920 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, अगर गूगल से आप डालेंगे तो आपको जो मुंबई का है वो 603 वर्ग किलोमीटर, सिंगापुर का 728, अहमदाबाद का 464 और सूरत का 474, दोनों को जोड़ोगे उसके बाद जाके हम धोलेरा के बराबर पहुंचेंगे। इसके मैपिंग में कलर जोन है, हर चीज को पहले से डिसाइड किया गया कि कहाँ कौन सी चीज बनेगी। सिटी में सिर्फ 2 मिलियन, ओनली 20 लाख लोग रहेंगे। सरकार का जो इसको बनाने का पर्पज है वो है NRI सिटी। 350 बार से नीचे तो प्लॉट ही नहीं है इसके अंदर, छोटे प्लॉट नहीं रखे गए। क्यों? क्योंकि इसको लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जो दुनिया के टॉप शहर हैं, अगर हम कम प्लॉट्स रखेंगे तो कोई भी आके शहर में रहेगा, तो इसके अंदर वो VIP जैसी सोसाइटी होती है ना कोई लग्जरियस, तो पूरा शहर ही उस लेवल पर तैयार किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये वो टाइमलाइन आप देखिए, 2009 में एक्ट बना, डिक्लेयर हुआ, मास्टर प्लानिंग की गई 9 में, और 2015 में इसकी ड्राइंग फाइनल होके आई है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके बीच में सब गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करे। DICDL बनी 16 में और 2017 से वर्क स्टार्ट हुआ। वर्क जो हुआ उसका एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ 2017 में, तो बंजर जमीन पे ये वीडियो के द्वारा आप देख सकते। भारत का पहला शहर जहाँ पजेशन नहीं है, पहले गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, रोड, लाइट, रास्ता, जो बेसिक सुविधाएं हैं सब कुछ पहले बनाएगी, उसके बाद आपको यहाँ बनाने की परमिशन मिलेगी। फर्स्ट टाइम प्लग एंड प्ले, क्योंकि इंडिया में कोई भी शहर को ले लो जहाँ बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, कोई सिस्टमेटिक है ही नहीं, ट्रैफिक और वो सब चीज़ें, तो पहले ये शहर को प्लान किया गया है, उसके बाद आपको पोजीशन मिलेगी। ये पानी की टंकियाँ हैं, ये 2017 में काम स्टार्ट हुआ था। अभी हम लोग इन रोडों पर चल के जाएंगे, अभी ये रोड ऐसी बची नहीं है, अभी ये बन चुकी है, बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। जो DICDL है, भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों का वेंचर है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है फंड देना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है लैंड देना, दोनों ने अपना काम कर दिया, उन्होंने लैंड दे दिया और उन्होंने फंड दे दिया, इसलिए शेयर बढ़ना चालू हो गया। दोनों सरकारें अब इसको रोल करेगी, बटन बंद है पीछे। DICDL जो बॉडी है वो इसको रोल करेगी PPP मॉडल पर, जो पैसा आया उससे शेयर बन गया। अब टाटा को लिथियम को इन्होंने 5000 करोड़ के लिए जगह दी है, वो पैसा आएगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोनों सरकारें, चाहे यहाँ की सरकार बदल जाए या सेंट्रल की बदल जाए, लेकिन धोलेरा के लिए दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये इन्होंने स्पेशल बॉडी DICDL बना दी। 22 गांव जो इसके अंदर डाले गए वो टाउन प्लानिंग में है। आज के समय में ये जो शहर था, ये फर्स्ट फेज है एक्टिवेशन एरिया, जो हम देखने जाएंगे ना ये कंप्लीट हो चुका है। ये रिवर है जो रेडी हो चुकी है अभी वहां पे। यहाँ पे जो भी चीजें बनेंगी वो इंटरनेशनल थीम पे है, जैसे रोड, धोलेरा में जो रोडों को हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर, जो दुनिया के टॉप 10-3 देश है जिनसे रोडों के बारे में जाना जाता है, वहां से रोड ले लिया। शहर में जो पानी और वेस्ट वाटर मिलेगा वो आपको सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकॉन्ग। सॉलिड वेस्ट, जो कचरे का मैनेजमेंट होता है, यही बेसिक है, जो कि हम लोगों ने अभी तक यही नहीं किया। नारोल साइड में आप जाओ, बड़ी बड़ी आपको कचरे की टाल मिलेगी, किसी भी शहर में जाओ, ये यहाँ होना ही नहीं है। ब्रसल, सेनेटो और न्यूयॉर्क से लिया गया है। लाइट और ICT, हम लोगों के अभी भी जो वायर है वो ऊपर है। धोलेरा पूरे शहर के अंदर पूरा ICT पावर सप्लाई किया गया है, इतना हाईटेक है कि एक जोन है रेजिडेंशियल, तो आईपैड पे बटन दबाएंगे लाइट बंद हो जाएगी, इंडस्ट्रियल लाइट चालू करनी है सिर्फ आईपैड से लाइट चालू और स्विच होगी, इतना हाईटेक इन्होंने लिया है सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क से। बंजर जमीनों पर शहर कैसे बनाते हैं उसके लिए लंदन, न्यूयॉर्क और मेल्टन कीनेस। अब सबसे बड़ी चीज, 40 साल पहले किसी के घर RO नहीं थे, नहीं होंगे क्योंकि RO होते ही नहीं थे, हम रेन वाटर का यूज करते थे कहीं ना कहीं। यहाँ पे स्टॉर्म वाटर, ब्रसल्स, सेनेडो, न्यूयॉर्क, जो दुनिया के टॉप जो रेन वाटर का कलेक्शन करते हैं स्टॉर्म वाटर का, वो यहाँ पे पहले से उन्होंने यूज किया है। अगर हम यहाँ की रोड देखेंगे तो 8 तरह के डग है। आपके घर में आप कॉमन सी चीज होती है, हम सारा पानी एक ही ड्रेनेज में चला जाएगा, धोलेरा में ऐसा नहीं होगा। धोलेरा में 8 तरह के डग है, पीने के पानी का आपको गवर्नमेंट मिनरल पानी देगी, आपको पौधों के लिए अलग पानी मिलेगा, और आपके घर का जो सीवरेज पानी है वो अलग लिया जाएगा, फैक्ट्री का पानी अलग कलेक्शन होगा,
आपको स्टॉर्म वाटर जो ओपन एरिया में पानी बरसेगा उसका ये स्टॉर्म वाटर से ले जाके कैनाल में इकट्ठा करेंगे। ये देखिए आपने सब चीजें लिखी है। भारत का पहला शहर है जो सेल्फ सस्टेनेबल है, लाइट पानी गैस और खाने की चीजें धोलेरा के बाहर से नहीं आएगी। आत्मनिर्भर शहर है धोलेरा पहला। पूरे शहर में लंदन की थीम पे साइकिल के ट्रैक अलग है, अभी हम लोग जाएंगे ना तो साइकिल के ट्रैक पूरे शहर में अलग है, पैदल चलने के ट्रैक अलग है। जब हम पैदल चलेंगे तो हमारे दोनों साइड पौधे हैं जो 8 फुट के बाद ऐसे टर्न कर जाएंगे, मतलब हम कभी भी वॉकिंग के लिए जाएंगे ना तो हम पौधों के नीचे ही जाएंगे। तो ये लंदन से लिया है इन्होंने पैदल चलने का ट्रैक, और वो स्केडा द्वारा यहाँ पानी की सप्लाई है जो रेन वाटर का कलेक्शन है। लाइट के लिए इन्होंने 5000 मेगावाट का सोलर पार्क, जो पूरे इंडिया में जो बिहार है ना जितनी बिहार के लिए लाइट चाहिए उतनी इन्होंने सिर्फ धोलेरा के लिए बनाई। तो 5000 मेगावाट में 1000 मेगावाट का अभी प्लांट रेडी कर दिया। अभी आप जाएंगे तो जितना शायद एक सारण को जिला है सिटी है उतनी एरिया में तो पैनल्स बिछा दिए इन्होंने अभी की डेट में। ICT पूरे रोड के अंदर डाला जा रहा है, घर का जो डोमेस्टिक होगा उसको ये वेस्ट को टोटल रिसाइकिल करेंगे, आपका फैक्ट्री और यूज करने का पानी तुरंत यूज करेंगे। रेन वाटर कलेक्शन, हम लोग घर का पानी कलेक्ट नहीं कर पाते, जहाँ सरकार पूरे शहर का पानी कलेक्ट करेगी और जो स्टॉर्म ओपन कैनाल है ना उसके अंदर इसको स्टोर करेंगे। जो कचरा निकलेगा उससे मैथिलीन गैस बनाएंगे। तो लाइट सोलर के द्वारा बना ली, पानी रेन वाटर कलेक्शन कर लिया, और जो गैस चाहिए वो कचड़े से बना लेंगे। तो ये पहला शहर भारत का जो सेल्फ सस्टेनेबल है। रोडों के बीच में एक फ्यूचर स्पेस रखा गया है, अगले 300 साल तक ये रोडों को इधर नहीं बनाएंगे, आपके घर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इन्हें जब भी रोडों का ट्रांजेक्शन करना होगा तो बीच में जो स्पेयर है उसमें ये यूज कर लेंगे। एक बिल्डिंग है ABCD जिसमें अभी 3 तारीख को गुजरात के CM आए थे, ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जहाँ से सारे काम यही होंगे। टैक्स का काम है यहाँ, इनकम टैक्स रजिस्ट्री जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक सिटी के लिए वो सब ABCD बिल्डिंग। ABCD मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस कंट्रोल इन धोलेरा। पूरा शहर सेंसर से काम करेगा, आपके घर के सामने कोई लाइट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई आपको कोई कंप्लेंट नहीं करना, सेंसर से यहाँ बिल्डिंग में मालूम पड़ जाएगा और वो सेंसर से इसको ट्रेस करेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 400 मीटर पर पूरे धोलेरा में गवर्नमेंट एक 400 मीटर के बाद एक एमिनिटी देगी 1 से 2 हेक्टेयर हो गई हो गई। 800 मीटर पे आपको 4 हेक्टेयर की एमिनिटी देगी और 4 किलोमीटर के बाद आपको 30 से 40 हेक्टेयर की एमिनिटी देगी। ग्रीन फील्ड सिटी, ये भारत का पहला शहर है जिसके अंदर 920 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 2 मिलियन 20 लाख लोग रहेंगे, लगभग हर व्यक्ति के हिसाब से 3 पौधे लगेंगे और ये एमिनिटी उनको अलग दिया जा रहा है। पूरे शहर में आपको एक्टिवा कार ये नहीं रखनी, घर से बाहर निकलो साइकिल उठाओ जैसे लंदन में चलते हैं, सेम वो वाली पूरी थीम दिया गया है। ये भी PPT DICDL की है, जो गवर्नमेंट की PPT है उसी से हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, ये सिटी इंडस्ट्रीज सिटी है लेकिन ड्राई इंडस्ट्रीज होंगी, वो इंडस्ट्रीज को परमिशन नहीं है जो पॉल्यूशन करेगी। तो ये यहाँ पे अभी सेमी कंडक्टर कंपनी टाटा का लिथियम, क्योंकि हम अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक की तरफ जाने वाला है पूरा भारत, तो लिथियम हम चाइना से लेते हैं, तो टाटा भारत में 5000 करोड़ का धोलेरा में लिथियम बैटरी बना रहा है। ये सोलर पार्क टोटल 5000 मेगावाट का बनना है, 1000 मेगावाट का अभी रेडी हो चुका है, इसको हम लाइव देख सकते हैं। ये है इसका मेन, ये इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड सिटी है। दुनिया में 2 सिटी है प्लेटिनम रेटेड, लंदन में आपका है 1 सिटी वाशिंगटन, और दुनिया का पहला सिटी वो हो गया, दुनिया का 2nd सिटी है धोलेरा, इंडिया का पहला प्लेटिनम। मेन हमको ये समझना है पहला शहर है जब प्लग एंड प्ले, फैक्ट्री या घर बनाना है तो रोड रास्ता रेडी है, आप आओ और अपना काम चालू करो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट पानी गैस जो सिटी के लिए चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए वो सारा कुछ यही बनेगा। सारी बिजनेस आप रजिस्ट्री आपकी देगी, आप आएंगे भी नहीं और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तो सारा बिजनेस जो है ना इजी ऑफ डूइंग किया गया है धोलेरा के लिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दुनिया में रोड रास्ते हैं ना वो यहाँ दिया जाएगा। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, शहर तो बन जाएगा लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ तो शहर का क्या मतलब है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मोनोरेल लोकल के लिए और एक्सप्रेस वे, 4 कनेक्टिविटी दी गई है और मालगाड़ी का अलग से ट्रैक काम चालू है। अभी हम लोग जाएंगे ना लोलिया से पहले जो अपन को स्टेशन बन के जा रहे हैं वो सब DFC है जिसका टेंडर हो गया धोलेरा के लिए। ट्विटर एक ऐसी चीज है जिसमें मैम आप फॉलो कर लेना धोलेरा ऑफिशियल, जैसे आप इसको करोगे तो मेरे कहने से कुछ नहीं, ये सारा कुछ आपको ट्विटर पे मिलेगा गवर्नमेंट के ऑफिशियल।
इंडिया में अगर हम कहीं भी इंडस्ट्री लगाते हैं वहां से 35% आपको चीपर बिल आएगा। अगर आप बद्दी में इंडस्ट्रीज है आपकी मुंबई में, वो 10 लाख रुपए बिल आता है, धोलेरा में आपका 6.5 लाख रुपए आएगा। 35% गवर्नमेंट यहाँ पे बिल भी, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा लैंड पार्सल यहाँ रेडी कर दिया गवर्नमेंट ने। ये पूरा मैप है।